वर्ष 1930 માં મહાત્મા ગાંધીજીએ કરેલી દાંડી કૂચ ભારતની આઝાદીમાં પાયાનો પથ્થર સાબિત થઈ હતી। આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ભારત સરકારે દાંડી યાત્રાને ફરી જીવંત કરી છે। 241 માઇલની મજલ કાપી દાંડી યાત્રા 5 એપ્રિલ સોમવારની સાંજે નવસારીના ઐતિહાસિક દાંડી ખાતે પહોંચતા જ યાત્રિકોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। समग्र दांडी यात्रा दरमियान गामे गाम यात्रिकों सूतर ने आटी पहेरावी अने पुष्प वर्षा साथे स्वागत करायु हतु, जेना माटे शाळाना शिक्षकों अने बाळकों ने खास तैयार कराया हता। कोरोना काळ होवा छता दांडी यात्राना स्वागत में ठेर ठेर भीड़ भेगी थता सोशल डिस्टन्सना धजागरा उड़िया हता, छता कोरोनाना भय विना तंत्र यात्रा ने सफलतापूर्वक पूरी करावा मत्तू रह्यु हतु। दांडी पहोंचता ज 81 पदयात्रीओए बापू ने वंदन करी श्रद्धांजलि अर्पी हती। पूज्य बापू ना नेतृत्व हेठ स्वातंत्र चळवळ ना मूल स्वरूप योजायेली मीठाना सत्याग्रह रूपे दांडी यात्रा घणी खरी असुविधाओ अने असगवड़ताओ थी अने एक संघर्ष अंग्रेज सरकार शासन सामे सत्याग्रही यात्रा थी, ज्यारे आजे सरकार नो साथ छे, सरकार नो सहकार छे, लोकोनो उत्साह छे। पूज्य बापूनी एक यादी स्वरूपे आपता स्वागता थाय छे अने खूब सरस व्यवस्था उभी करी छे। कोविड-19 संक्रमणना समयगाळा में एक पण पदयात्री आ वैश्विक महामारीथी संक्रमित नथी थयो अने लगभग 100 थी वधु गामडाओ अने 15 थी वधु शहेरोमांथी पसार थता लगभग दररोज 3000 थी वधु लोको अमारा संपर्कमां आवता, परंतु कोविड-19 नी गाइडलाइन मुजब आ यात्रा ने एक सुव्यवस्थित आयोजनबद्ध रीते काढवामां आवी छे अने गांधी विचारोनो प्रचार प्रसार देश अने दुनियामां थाय अने युवानो द्वारा पूज्य बापूना आदर्शो सत्य सेवा समर्पण त्याग अने अहिंसाना सिद्धांतो देश अने दुनियामां फैलाय अने समाजमां आवता दरेक संघर्षोनी सामे लड़ी अने एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा भारतने विश्वगुरु बनावानी फलकमां योगदान आपशे, જે હું આ તમામ દાંડી યાત્રીઓ વતી ખાતરી આપું। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।